मुझे ये बता दो कि रैव को मेरे साथ कौन कौन जाकेगा? कि तुम दोनों तो सोओगे वहां पे गधे बेच के, घोड़े बेच के। पापा अपन 12 आवर्स का चैलेंज करें कार में। 12 आवर चैलेंज? हां जी। वो कैसे? हमें बस उसमें कार में ही रहना 12 आवर्स। ओके। और कार से बस हम खाना या मतलब बाथरूम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जिसको वॉशरूम जाना है तो वो जा सकता है, अगर खाना है तो लाके गाड़ी में ही खाना पड़ेगा और सोना भी गाड़ी में पड़ेगा 12 आवर्स के लिए। चलो ठीक है, बहुत ही नया चैलेंज है फ्रेंड्स, शायद आपको भी अच्छा लगे। चलो करके देखते हैं फिर। चलो तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल तैयार है हमारे न्यू चैलेंज के लिए। तो हम करने वाले हैं 12 आवर्स इन कार चैलेंज, और हम कोशिश करेंगे कि हम 12 घंटे यहाँ वहाँ थोड़ा घूम लें और किसी भी सेफ जगह पे जाके हम अपनी गाड़ी खड़ी कर लें, और वहाँ पे जाके हम, मेरे मुझे लगता है कि सुजीत ने खाना बनाया है क्योंकि हम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाते नाम मात्र, और हम ज़्यादातर घर का ही खाना खाते हैं। मैंने तो मम्मी पापा को बहुत कहा कि ये चैलेंज कर लो, तो 10 डेज हो गए मुझे कहते थे, तो आज मेरी विश पूरी होगी। थैंक यू मम्मा पापा। थैंक यू बाबू। थैंक यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो टफ होएगा, देखो इतना आसान तो नहीं है सारी रात गाड़ी के अंदर। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी नियर अबाउट 6:40 पे हम एंटर हुए थे और मॉर्निंग में 6:40 to 7 o'clock तक हम जो है गाड़ी के अंदर रहेंगे। राइट, तो लेट्स सी, देखते हैं, करते हैं एंजॉय। मेरे को इसमें बहुत मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, हम निकल पड़े थे एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पे हम जाके अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकें और वहाँ पे खाना खा सकें। तो एक जगह हमें मिल गई जहाँ पे हम अपना जो है गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे हम खाना वगैरह खा सकते थे, जो कि बिल्कुल साफ सुथरी जगह थी। हमने सन वाइपर्स लगाए, सीट को फोल्ड किया और बहुत अच्छे से एक ब्यूटीफुल सा बेड बनाने की तैयारी हमने शुरू कर दी। गुरसिमर ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की पूरी इक्वली, और हमने गद्दा बिछा के ऊपर बेडशीट डाल के जब बेड बनाया तो सच में हमने पहली बार ये वाला ट्राई किया था और मज़ा आया। लगभग 4.5 से 5 feet का बेड इस गाड़ी के अंदर बन गया था। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप भी किसी भी गाड़ी में बेड बना सकते हैं, और बेड बनकर हो गया तैयार। चलो। हम आपको लेट कर दिखाएंगे तीनों की कितनी जगह यहाँ पे बचती है और किसे हम लेट सकते भी हैं या नहीं। पापा, ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया पिकनिक प्लान बन गया था। ये तो बिल्कुल रेडी हो खाना खाने के लिए। बहुत ये मजा आ रहा है पिकनिक का, और ये खाना लेके आए हैं, देखो ये खाना अपना, ये इसमें टिफिन और इसमें रोटियां, वाओ चपाती बॉक्स। ये सुखजीत की सबसे बड़ी बात ये है कि ये बाहर का खाना नहीं खाने देती हमें, हमेशा हेल्दी खाना खिलाती है, और उसी के इसमें आज फिर वही हेल्दी खाना। तो पीछे आ जाओ फिर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ओके हो? यस, रेडी टू खाना। सुनो, मोटा गेंडा। ये ओ वाओ, टाइट टाइट है। ओके, लेकिन एक चीज अच्छी लग रही है यार, इसका मतलब आप इसमें इंडिया टूर कर सकते हैं। यस, है ना? हां जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग, ओ माय गुडनेस, लाइट जो है नीचे चली गई। मैं निकालता हूँ, आप हाथ इधर करना। मैं मेरा हाथ पहुंच जाएगा वापस शायद। नहीं नहीं, ये इधर कर दीजिए आप मेरी तरफ और मेरी तरफ दोनों लाइटें। तो फ्रेंड्स, खाना मम्मा ने, देखो खाना तो हर रोज खाते हैं घर पे भी, पर पहली बारी इस गाड़ी में ऐसे बैठ के खाने का एक्सपीरियंस, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल फर्स्ट है। देखते हैं क्या क्या बना है भाई आज। आलू मटर, माय फेवरेट। और क्या है? खीर। ओ वाओ, खीर फेवरेट। और क्या है? हलवा।
मूंग दाल का हलवा, क्या बात है। वाह यार वाह। हाँ तो सच में वैसे तो पिकनिक पे आया लेकिन खाना होटल वाला हो गया जी। है ना। थैंक यू सुजीत, थैंक यू सो मच। और जैसे खेतों में नहीं खाते होते थे हाथ के ऊपर, सेम सेम फीलिंग आ रही है। अब पता चलेगा सब्जी कैसी। सब्जी ना स्वाद हो इतना भी टेस्टी नहीं। नहीं नहीं, रियल टी में बहुत टेस्टी। मेरी मम्मी की सब्जी कभी आपको गंदी नहीं लगेगी। खाना बनाने में तो ना नंबर वन, नंबर वन। रोज घर पे रोटी खाते हैं, इतना मजा क्यों लेते आज? ऐसे लग रहा है बहुत ही मजा आ रहा है आज, पूरा जबरदस्त। ऐसे लग रहा है हम तो कोई नए रेस्टोरेंट में आए। अगर रात को कोई डॉगी भौंका तो डर नहीं लगेगा आपको? लगेगा जी। आप डरोगे क्योंकि मेरा दुश्मन है वो। आगे चलते हैं अपन लॉन्ग ड्राइव पे। हाँ एक ड्राइव कर लेते हैं। मैं तो हीरा और हलवा मिक्स करके खाऊंगी। ये कौन सा है? ये उनसे पूछ फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स आप में से है कोई जो हलवा और खीर को मिक्स करके खाता हो और कितना टेस्टी लगता है? मैं ट्राई करूँ। मैं भी, मैंने भी पहले ट्राई किया, मैंने भी किसी के कहने पे ट्राई किया था, बट रियली मैं बहुत टेस्टी लगता। मैं बहुत खाती हूँ, मेरा फेवरेट है मेरा। फ्रेंड्स खीर 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 जो मेरी फेवरेट फेवरेट है। अरे मैं कैसे खाऊं? ये लेना टिश्यू पेपर। हाँ जी, होटल वाली सभी सुविधाएं हैं आज तो भाई। पापा एक बात बोलूं? हाँ। मेरा ना सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? कौन सा बेटा? अरे गाड़ी में बेड वाला। अच्छा। चलती गाड़ी में बेड में लेटा हूँ। अरे वाह, लेटा हुआ पीछे। हाँ जी। वेरी गुड। हाँ जी, तो अब बताओ कौन कौन सी गेम खेलनी है और कौन कौन सी करनी है। आप मुझे ये बता दो कि रात को मेरे साथ कौन कौन जागेगा। मुझे पता क्या लग रहा है, मेरी अंदर से आत्मा क्या कह रही है कि तुम दोनों तो सोओगे वहां पे गधे बेच के, घोड़े बेच के। तुम दोनों सोओगे वहां पे घोड़े बेच के और मुझे पता है मैं यहाँ गधे बेचूंगा बैठ के आराम से। मुझे लग रहा है मेरी अंतर आत्मा कह रही है कि तुम मेरे साथ कहीं ना कहीं चीटिंग करोगे। चीटिंग थोड़ी करते पर कर ही लेंगे। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर आपके पास 5 फिंगर है तो मेरे पास कितनी फिंगर होंगी? 5। कोई जरूरी नहीं है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, मेरे पास 10 है। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन देखो, इनका जवाब कोई आइंस्टाइन टाइप का दिमाग ही दे सकता है, कोई इतना आसान। पता क्या है, आगे से आप पूछो गुरसिमर, तू और आंसर देना। मैं 2-3 मैं देने थे, 10 हाथ की 10 पैरों की, फिर आंसर आता अपने आप। हाँ फिर आंसर आता फिर मैच करता। पूछो पापा। मैं पूछूं? हाँ जी। ओके बताओ 6 के बाद क्या आता है? 7। रॉन्ग। और क्या आता है? सिक्स के बाद होता ही नहीं कुछ भी। सिक्सर के बाद तो अट्ठा तो होता ही नहीं, या तो चौका होता है या फिर दुग्गी तिग्गी, एक रन दो रन सिंगल रन। सिक्सर के बाद तो कुछ नहीं होता भाई। सिक्सर के बाद तो चौका नहीं बोला ना, सिक्स के बाद। हाँ यही तो दिमाग लगाना था कि ये कौन से सिक्स की बात चल रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल लगाएंगे दिमाग। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी गाड़ी में जैसे कि हमारी गाड़ी है कितने टायर होते हैं? 5। वाओ बताओ कैसे? 4 लगे होंगे, एक स्टिपनी। एक स्टिपनी, ठीक है, गुड आंसर है। हाँ जी। ये क्वेश्चन आपने, जब गाड़ी चलती है हाँ, तब क्या होता है? टायर घूमते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, कमाल ही कर दिया आप। अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल सही जवाब। ओके जब गाड़ी चलती है दोस्तों टायर घूमते हैं, ये सही जवाब है। और पूछो पापा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। और पूछो। और पूछता हूँ मैं आपको कि जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं और लाइट चलाते हैं तब क्या होता है? हम डर से बच जाते हैं, भूत से बच जाते हैं।
वाह क्या बात है। और क्या होता है? रोशनी हो जाती है। तो दोस्तों जब हम कमरे में जाते हैं तो क्या होता है? रोशनी हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। मेरा तो भूत से डर बच जाएगा। अच्छा वो किस किस के साथ होता है? जैसे किचन की लाइट बंद करते हैं और एकदम से भागते हैं कि हाय कोई पीछे आ रहा है, फिर वो लाइट बंद करके भाग लो वो लाइट बंद करके भाग लो ऐसे मैं करती हूँ। पता है एक बचपन में आप करते नहीं होते थे स्विच को बीच में खड़ी करना? हाँ ऐसे ऐसे करके भी। हाँ बीच में खड़ी वाली। अब तो मेरा एक वो होता था कि फ्रिज की लाइट बंद करना, बंद करके देखना भी ऐसे फ्रिज जा रहा बंद होगी, कैसे बंद होती है वो दिमाग में ऐसे। हाँ वो बड़ा टाइम बाद पता चला है ना कैसे बंद। वो तो मुझे पता ही चल गया उसके बटन होते, पर हमें नहीं पता चला था बेटा, हमें तो बहुत बड़े होके पता चला। अभी आप देख लो फ्रेंड्स टाइम क्या हुआ है, 7:50 और हमने खाना खाया था लगभग 7:17 पे, और ये दोनों जमूरे यहाँ पे दोबारा से पनीर की लाइन में लगे हुए हैं। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है हमें शहर में आए हुए। इनका पनीर का टेस्ट अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। एंजॉय करो। जब तक हम पनीर खाते हैं तब तक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। गाड़ी में बैठे हैं और सब्जियां ले लेती हूँ इसलिए सोचा पहले। मैं तो मजे कर रही हूँ लेट के। अभी ना मतलब मैं क्या हुआ, शहर में हम घूम रहे थे ना, मैं ना ऐसे नींदों में सो रही थी, मेरे को ऐसे लगा मैं सो। लाओ आलू रह गए अभी, ये लो ठीक है। लो भाई हम आ गए पार्किंग में और हमारी ये फ्लैटों की पार्किंग है। मैं गुरसिमर एंड पूरा शहर घूम के हम आए हैं। आपको टाइम दिखा देते हैं क्या हुआ है। अभी टाइम हो गया है 9:57, मतलब 2 बज गए हैं। 2 बज गए? अभी 10 बज गए। अरे हाँ 10 बज गए। अच्छा ये बताओ कि अब पीने के लिए है कुछ के नहीं है? पीने के लिए क्या बात कर रहे हो? क्या बात है? ब्रश भी क्या है? फिर ब्रश भी तो करना पड़ेगा। ब्रश है क्यों मजाक? ओहो बस कोके पानी से सिंपल पानी से ब्रश मार ले पेस्ट वोस्ट मिलेगी। चलो ये तो कमाल ही कर दी यार, जबरदस्त वाला काम कर दिया। चलो ठीक है फिर अब दूध पीते हैं। दांत खराब हो जाएंगे। तो ये बात, दूध पीने के बाद तो ब्रश करना ही करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछूं पापा IQ लेवल का? हाँ। बताओ मामा, आप मत आंसर देना, आपको इसका पता है। आप बताना कि मेरे मम्मा से वो पूछो कौन सी ऐसी चीज है जो लोग नहीं यूज करते पर हम यूज करते हैं। लोग नहीं यूज करते हम यूज करते हैं। नाम पापा को ऐसे ही समझ रखा है, अभी कुछ पता ही नहीं है। ये टेबल ठीक है, लिफाफे में लेके गुड। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया मैम आपने। इधर रख लो इधर। ठीक है ये मेरा वाला भी ले रख। ठीक है टाइट अपन खोलो। माफ डबूगी शायद बाप बन जाती है ना इसमें। आप तब से ना क्या आया हो यार? और क्या इसमें गर्म पड़ा है? पड़ा होता है इसमें, 2-3 घंटे तो रहते हैं। हाँ फिर अपने को 2-3 घंटे का हुआ है। 7 बजे अपने शुरू किया था, 8-9-10 3 ही घंटे हुए हैं बस। फिर गर्म मिलेगा, गर्म अच्छे वाले गर्म मिलेगा आई थिंक। कुर्सी में उधर से डालना, मेरा लेफ्ट हैंड है बेटा, इसके ऊपर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरे पे बिल्कुल भरोसा मत करना जब दूध डालने को कहो। पता नहीं हम रात को कैसे सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे। मेरे को तो मैं और मम्मी तो आराम ट्राई तो करेंगे। मैं ना लेट के दिखाती हूं बाबा के बड़ा है, गुरसिमर ने दिया है पूरा करना है। फिर
टास्क को टास्क की तरह लेंगे। तुम तो पता क्या है, तुम लोगो चलाक, तुम तो। और टिश्यू मैंने ये देखो यहाँ पे इसने सारा दूध गिरा दिया और इसके अंदर भी दूध चला गया। इवन ये लो भाई 11 साढ़े 11 हो गए हैं, एक घंटा सो के बढ़िया अब जाग खुली है। और ये देख लो, तुम आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, देखो आप ये देखो, ये गेंडे बेंसो की तरह दोनों जने सोए पड़े हैं। मेरे को पहले ही पता था ये दोनों यहाँ पे कब्जा कर लेंगे और मेरे को जगह नहीं मिलेगी। और वही बात हुई, मेरे को सीट पे सारी रात सोना पड़ेगा और ये दोनों बढ़िया यहाँ पे ना मजा ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चैलेंज तो पूरा करना ही है, जैसे तैसे करके चैलेंज तो पूरा करना ही पड़ेगा। कोशिश करता हूँ दोबारा सोने की, अगर कोई रात को जाग आई तो फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगी। थैंक यू सो मच। ये लो जी रात के बज चुके हैं 1:45 का टाइम है, ये बंदा ऐसे सो पड़ा है और मेरे को आ गई थी जाग। मैंने सोचा बीच में बना दूँ एक आधी वीडियो और गुस्से में ये पड़ी फ्रेंड्स लगभग 3:30 ही हो चुके हैं और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल परेशान, यहाँ पे लेट लेट के जगह नहीं है। सुजीत यार जगह बनाओ, मैं तो अब यहीं पे सोऊंगा तुम्हारे साथ। गुरसिमर बेटा उठ के इधर होना थोड़ा, मैं भी इधर ही आ रहा हूँ। इधर इधर जगह बना दो बिल्कुल। हेलो भाई, मैं भी पीछे लेट गया हूँ और सारे के सारे जाग रहे हैं। अब नींद नहीं आ रही थी किसी को, वैसे बहुत अच्छा ब्लॉग बना हमने, बहुत एंजॉय किया, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बिल्कुल हटके एक्सपीरियंस था। और दोस्तों ऐसे बात की, अब हम सुबह 7 बजे घर चले जाएंगे और प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और सुदीप जी, हां जी जो आ रहा है, अगर गाड़ी में वो होता क्या बोलते हैं उसको, ये छत सी खुलती होती सनरूफ, हां फिर आप ऐसे देखते रहते ना तारे पूरे रात को, फिर बहुत मजा आता। जिसकी गाड़ी में सनरूफ है ना उसको ये वाला चैलेंज करने का बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। जैसे पहले नहीं गांव में सोते थे बेड़े में, वो चीज लगती। हाँ वैसा वाला महसूस होता ना। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हम भी कभी वो गाड़ी ले लें जिसमें वो वाली रूफ होती है। बट थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आप लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, बाय बाय।